गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग रोमन नंबर के बारे में पढ़े थे। रोमन नंबर को लिखने के लिए हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 7 सिंबल होता है, जैसे कि आई बी, उसके बाद एक्स, एल, सी, डी, एम, और उसी 7 सिंबल से ही हम लोग पूरे रोमन नंबर को लिख सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट 1.5 को पढ़ेंगे, लेकिन असाइनमेंट 1.5 जो है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम लोग एग्जांपल को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम बनाने से पहले एग्जांपल देखना बहुत ज़रूरी होता है, कि एग्जांपल देख लेने से हम लोगों को क्या होता है कि उस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाता है। चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 19 को देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वाज 1,29,35,297 इन 1990। ठीक है, इट इंक्रीज बाई 45,35,214 इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, बट 13,29,470 मिग्रेटेड टू मुंबई एंड बेंगलुरु। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन 2001 वाज, तो क्या लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन 1999 में कितना था, तो 1,29,35,297 था। उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना इंक्रीज हो गया था, तो 45,34,214 इंक्रीज हो गया था। तो इंक्रीज पॉपुलेशन अब कितना हो गया, तो 1,74,69,511। अब क्या हुआ, माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो था, जो कहाँ पे, मुंबई एंड बेंगलुरु चले गए थे, तो उनका कितना था, 13,29,29,417 था, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हेंस द पॉपुलेशन, नहीं, हेंस फाइनल पॉपुलेशन इन 2001 1,61,40,094। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 20 को पढ़ते हैं। देखिए 20 को बनाते हैं। ए मशीन प्रोड्यूस 2,825 SQ ए डे एंड आफ्टर ए मंथ 30 days। दीज एस्क्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू 5 dealers इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। हाउ मैनी एस्क्यू डज ईच डीलर गेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, एस्क्यू प्रोडक्शन पर डे कितना हो रहा है, तो 2,825 SQ प्रोडक्शन इन 30 days, तो क्या करेंगे, 1 day में इतना होता है, तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 84,750। तो सिंस, ठीक है, 84,750 SQ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली among the 5 dealers, the number of the SKUs for dealers, तो क्या करते हैं, 84,750 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 16,950 आ जाता है, जो कि हम लोग का आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल नंबर 21 देखते हैं। देखिए, If a student multiply 7,239 by 65 in states of 56, then the difference in the product is।
देखिए क्या करते हैं, सॉल्व पहले करेंगे। इफ द स्टूडेंट वेयर बाय मल्टीप्लाई 1/65 इन स्टेड ऑफ 56 देन द इंक्रीज इज इक्वल टू 65 में से 56 को माइनस कर लेंगे तो कितना हम लोग का बढ़ रहा है 9। ठीक है, तो नाउ द इंक्रीज व्हेन द स्टूडेंट हैज टू मल्टीप्लाई बाय 7236 इज इक्वल टू 9 इंटू 7236 इज इक्वल टू 65124। हेंस द स्टूडेंट्स आंसर इज 65124 ग्रेटर देन द करेक्ट वन। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 पे। A bus travels a distance of 356 km 500 meter daily and for this traveling it consumes 1 liter of diesel per 15 km। मतलब कह रहा है कि एक जो बस है वो ट्रेवल करता है 356 किलोमीटर 500 मीटर डेली, वो डेली जो है वो ट्रेवल करता है, यात्रा करता है कितना 356 किलोमीटर 500 मीटर डेली वो बस चलता है। ठीक है, तो उसके बाद ये बतलाया गया है एंड फॉर दिस ट्रेवलिंग इफ इट कंज्यूम 1 लीटर ऑफ डीजल और 15 किलोमीटर, और वो जो है कंज्यूम करता है 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है बस। तो फाइंड करना हाउ मच द डिस्टेंस डज द बस ट्रेवल इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। मतलब वो देखिए बस जो है एक मंथ में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बतलाना है जबकि मंथ जो है 30 डेज का है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच डीजल डज द बस कंज्यूम इन ए मंथ, उस मंथ में बस कितना लीटर डीजल को कंज्यूम करता है इसके बारे में बताना है। पहले बताना है कि वो बस जो है एक दिन में 356 किलोमीटर 500 मीटर चलता है, तो 30 दिन का मंथ है, मंथ जो है वो 30 डेज का है, तो 30 डेज में कितना किलोमीटर वो चलता है ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग को ये बतलाना है कि 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर चलता है तो पूरे मंथ में उसको कितने लीटर, ठीक है, कितने लीटर डीजल की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो इन 1 डे द बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 356 किलोमीटर 500 मीटर तो इन 30 डेज, और 30 डेज का निकालते हैं तो इफ द ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 356 किलोमीटर 500 मीटर को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए एक दिन में 356 किलोमीटर 500 मीटर चलता है तो 30 डेज का जब हम लोग को निकालना होता है तो क्या होगा वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा, इसका मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का आ जाता है 10,695 किलोमीटर में। अब हम लोग लिख सकते हैं द बस ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 10,695 किलोमीटर इन ए मंथ, एक मंथ में जो बस जो है ट्रेवल्स करता है डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10,695 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब हम लोगों को तो डिस्टेंस तो मालूम चल गया, अब हम लोग को ये मालूम करना है कि एक लीटर में वो 15 किलोमीटर चलता है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिखेंगे द बस कंज्यूम्स 1 लीटर ऑफ डीजल पर 15 किलोमीटर, तो द क्वांटिटी ऑफ डीजल कंज्यूम
बाय द बॉस फॉर 10,695 किलोमीटर इन ए मंथ इज गिवन बाय, क्या करेंगे जब हम लोग को मालूम है कि एक लीटर में 15 किलोमीटर चलता है, तो इतना किलोमीटर है, हम उसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा कि कितना लीटर पेट्रोल लगेगी, मतलब डीजल लगेगी। अगर चाहिए तो यहाँ पे ये भी लिख सकते थे हम लोग किलोमीटर, और इसको भी किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर ये जो है कट जाएगा तो हम लोग को लीटर में मिल जाएगा, क्योंकि लीटर में ही ना हम लोग को जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा। चलिए से देखिए 10,695 किलोमीटर था, उसको डिवाइड करना है 15 किलोमीटर से, क्योंकि देखिए एक लीटर डीजल में वो 15 किलोमीटर चलता है, तो इतना किलोमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मालूम चल जाता है कि 713 बार में वो कट जाता है। तो इसका मतलब हो गया हेंस द बॉस कंज्यूम 713 लीटर ऑफ द डीजल इन ए मंथ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो जितना आएगा उतना लीटर में मालूम चल जाएगा कि उतना लीटर में वो बस क्या करेगा, बस को एक मंथ में ठीक है डीजल यूज होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। असाइनमेंट 1.5 को बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो एक क्वेश्चन बतला दे रहे हैं एमसीक्यू का, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आई, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 वाज 3,42,69,123 If increased by 62,98,313 in the next 2 years, but 19,042,639 migrated to Delhi, the population of the Mumbai in 2003 was, जैसे देखिए जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या है 2001 में मुंबई की जनसंख्या जो है 3,42,69,123 है, 2 साल में वहाँ पे जनसंख्या उसका बढ़ जाता है कितना, 62,98,330 बढ़ जाता है 2 ईयर्स में, बट 19,642,639 जो है दिल्ली चले जाते हैं, तो अब जो है मुंबई का जनसंख्या 2003 में कितना है यही बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इन 2001 में कितना है, तो 3,42,69,123 है, और इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज करता है, कितना बढ़ जाता है पॉपुलेशन, तो देखिए 62,98,330 तो अब हम लोग ऐड करेंगे इसको, तो 3,36,213 1 और 3 4 हो जाएगा, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 6 और 9 कितना हो गया, 6 है और 9 है तो 15, 1 कैरी था तो 16 का 6 कैरी 1, 2 2 4 1 5 और 6 4 10, क्योंकि 5 में कैरी नहीं होता है तो 10 का 0 ही लिखेंगे, और 3 1 कैरी था तो 4 हो गया। अब देखिए उसके बाद ये इंक्रीज पॉपुलेशन इतना था 4
4,567,436 इसमें से माइग्रेटेड पॉपुलेशन जो कि दिल्ली चले जाते हैं वो 19,42,639 है, तो उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा तो एक कैरी लेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि कैरी दे दिया 3 जो है उसको 16 को कैरी दे दिया है, तो ये 2 हो जाता है, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये बचा कितना 3 क्योंकि कैरी दे दिया है तो 3 हो गया, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो कैरी लेगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो ये बचा कितना 6 में से 2 को ले जा सकते हैं, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, और देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा तो ये इससे कैरी लेगा, तो ये इससे कैरी लेगा तो ये 3 हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये कैरी दे देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 15 हो गया, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और ये कैरी दे दिया तो 9 है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो गया, और ये कैरी दे दिया है इसको तो इसलिए ये 3 हो गया, तो 3, तो हम लोग का हैंस द फाइनल पॉपुलेशन इन 2003 कितना हो जाएगा 3,86,24,797 जो मुंबई का पॉपुलेशन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए मैन डिपॉजिट आरएस 3,569 ऑन मंडे, विड्रॉ रुपीज 1,556 ऑन थर्सडे एंड अगेन ऑन फ्राइडे ही डिपॉजिट रुपीज 532 इन द बैंक, हाउ मच मनी डिड ही हैव इन हिज अकाउंट इन द बैंक। देखिए डिपॉजिट, देखिए बैंक में हम लोग जाते हैं तो बैंक में डिपॉजिट का मतलब होता है कि जमा करना, ठीक है, और विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब निकालते हैं, निकालना होता है, ठीक है, तो डिपॉजिट करेंगे तो इसका मतलब बैंक में पैसा इंक्रीज होगा और विड्रॉ करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम लोग का बैलेंस कम होगा, जितना बैलेंस होगा डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले विड्रॉ करेंगे तो उसमें से ही ना पैसा निकालेंगे तो कम ही ना पैसा होगा, ठीक है, तो हम लोग जैसे कि अब बनाएंगे सॉल्यूशन। ए मैन डिपॉजिट्स ऑन मंडे, मंडे को वो जमा करता है 3,569 रुपीज और विड्रॉ कर लेता है थर्सडे को 1,556, उसमें से जो 3,569 रुपीस जमा किया था उसमें से थर्सडे को 1,556 रुपया वो क्या करता है निकाल लेता है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, तो देखिए रिमेनिंग बैलेंस जो हुआ उसका 2000, ठीक है, 13 हो गया, 2013 रुपीज़ हो गया, अब क्या करता है कि वो फ्राइडे को फिर 532 रुपीज़ क्या करता है डिपॉजिट करता है, मतलब जमा करता है, तो डिपॉजिट ऑन फ्राइडे को करता है तो रुपीज़ 532 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो देखिए 3 और 2 5 हो गया, 1 और 3 4 हो जाएगा, 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो कितना अब उसका अमाउंट उसके बैलेंस जो है बैंक में अब उसके पास जो है 2,545 रुपीज़ हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं हैंस द टोटल बैलेंस हिज अकाउंट इन द बैंक इज इक्वल टू 2,545, नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर थ्री अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, रविंदर गोज टू द मार्केट विद 800। ही बाई ए चेयर फॉर रुपीज 135, ए पेयर ऑफ शूज फॉर रुपीज 99 एंड यूटेंसिल फॉर रुपीज 356। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ रविंदर। तो देखिए रविंदर जो है 800 रुपया लेके 800 रुपीज लेके मार्केट जाता है और वो एक चेयर खरीदता है जिसका कॉस्ट है 135 रुपीज, एक पेयर ऑफ शूज खरीदता है जिसका कॉस्ट है 99 रुपीज एंड यूटेंसिल खरीदता है जिसका कॉस्ट है 356 रुपीज। तो टोटल स्पेंड करता है कितना, टोटल स्पेंड करता है तो 6 और 9 कितना हो गया 15 और में 5 ऐड करेंगे तो 20 का 0 कैरी 2। अब देखिए 9 और 3 12 हो गया, 12 और 5 17 और 2 कैरी था, 20 में 2 कैरी था तो 17 और 2 19 का 9 कैरी 1 कैरी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 1 4 और 1 कैरी था तो 5 हो गया, मतलब 519 रुपीज उसने खर्च किया। तो द टोटल मनी इज लेफ्ट विथ रविंदर। तो क्या करेंगे, 800 रुपीज लेके गया था मार्केट और उसने 519 रुपीज खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा है। तो क्या करेंगे, रुपीज 800 में से रुपीज 519 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज 210 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। एक टाउन का न्यूज़पेपर प्रतिदिन प्रकाशित करता है पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर प्रकाशित करता है। वन कॉपी हैज 12 पेज, एक कॉपी जो है उसके पास, जैसे कि पेपर लेते हैं तो एक कॉपी रहता है तो एक कॉपी में 12 पेजेस आता है, ठीक है। तो एवरी डे वो 11,980 कॉपीज, ठीक है, आर प्रिंटेड फॉर ऑल, ठीक है, मतलब एक कॉपी हम लोग पेपर का, न्यूज़पेपर का लेते हैं तो उसमें 12 पेजेस होता है इसमें, ठीक है। तो एवरी डे वो 11,980 कॉपी आर प्रिंटेड करता है, ठीक है। तो वो रहा है कि हाउ मेनी पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कि एक वन कॉपी में 12 पेजेस आता है तो इतना कॉपीज में कितना पेजेस होगा, तो 11,918 कॉपीज में कितना पेजेस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखिए, एक कॉपी में हम लोग को 12 पेजेस आता है तो इतना कॉपी में 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 पेजेस में 11,918 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। देखिए जीरो में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है। अब देखिए एट में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 का 6 कैरी 1, ठीक है, और 9 2 18 1 कैरी था तो 19 का 9 कैरी 1। तो फिर हम लोग लिख देंगे 2 1 2 और 1 कैरी है तो 3 हो गया, 3 में कैरी नहीं है, 2 1 2। अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे। अब देखिए दूसरे संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं और सामने सामने लिखते हैं जिससे हम लोग को ऐड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर 1 से हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अब देखिए ऐड करेंगे तो 0 तो 0 हो गया, 6 और 0 तो 6 हो गया, 9 और 8 17 का 7 कैरी 1,
17 का 7 कैरी 1 है, 9 और 3 12, 12 बाय 1 कैरी है, तो 13 का 3 कैरी 1 है, 2 1 3 3 और 1 कैरी था तो 4 हो गया, ठीक है। अब 1 क्योंकि 4 में कैरी नहीं होता है, तो अब हम लोग लिखेंगे हेंस द टोटल पेजेस ऑफ 11,918 कॉपीज आर प्रिंटेड एवरी डे इज इक्वल टू 1,43,760। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाते हैं। ए वीजल हैज 4 लीटर 500 ml ऑफ कॉर्ड्स इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे एक वीजल में जो है 4 लीटर 500 ml क्या है, दही है, और मतलब दही है, ठीक है, और एक गिलास में जो है दही 25 ml आता है, ठीक है, तो कितना गिलास में ये सारा दही आ सकता है, मतलब कॉर्ड्स आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट सेम करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 लीटर 500 ml है और ये ml में दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको क्या करते हैं ml में चेंज कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर होता है, ठीक है, तो 4 लीटर 500 ml है, तो क्या हो जाएगा 4 × 1000 ml प्लस 500 ml, तो 4000 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 4500 ml, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ द कॉर्ड ईच ग्लास, एक ग्लास में जो कॉर्ड कितना मतलब आ सकता है, तो 25 ml। तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं द टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कॉर्ड, तो कितना ग्लासेस ऑफ कॉर्ड हो सकता है, तो जितना वेजल, तो हम लोग क्या लिखेंगे वेजल ऑफ कॉर्ड्स, जैसे कि एक वेजल ऑफ कॉर्ड में कितना दही जाता है तो वो लिख देंगे, और ईच ग्लास ऑफ कॉर्ड से डिवाइड कर देंगे, तो क्या करेंगे कि हम लोगों का कितना है 4500 ml है और 25 ml से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 से 4500 में डिवाइड करेंगे, तो 25 × 25, तो क्या हो जाएगा 5 में से 5 जाएगा तो 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 10 उतारेंगे तो 200 हो गया, तो 25 का टेबल अगर आप लोग 8 टाइम्स पढ़ते हैं तो 200 आ जाता है, उसके बाद एक जीरो बचा था तो 0 उतार दिए, तो 25 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हम लोग का कितना हो गया 180 ग्लासेस हो जाएगा टोटल। तो हम लोग बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ कॉर्ड कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3, ठीक है, इज ओनली वंस। मतलब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इस नंबर से हम लोग को ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब अंतर निकालना है, इससे बड़ी संख्या बनाना है और छोटी संख्या बनाकर और इन दोनों का अंतर बदलाना है, मतलब डिफरेंस करना है। तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर इस डिजिट से बनाएंगे तो क्या बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर किसी भी डिजिट से बनाना होता है, तो हमने बताया था पहले भी वीडियो में हमने बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं कि मतलब सबसे पहले क्या करते हैं जो बड़ा डिजिट होता है उसको पहले लिखते हैं, तो इसमें देखेंगे 6, 2, 7, 4, 3 है, तो सबसे पहले आएगा 7, तब आएगा 6, तब आएगा 4, तब आएगा 3 और तब आएगा 2। अब स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग बनाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं, असेंडिंग मतलब सबसे छोटा डिजिट को पहले लिखते हैं, लेकिन 0
अगर रहता है तो जीरो को पहले नहीं लिखा जाता है, जीरो को क्या करते हैं उससे बड़े वाले डिजिट को पहले लिख के उसके सेकेंड वाले पे जीरो को लिखा जाता है लेफ्ट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो जीरो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा डिजिट हमारा क्या है, टू है, तो टू को पहले लिखेंगे, तब थ्री को लिखेंगे, तब फोर को लिखेंगे, तब सिक्स को लिखेंगे, तब सेवन को लिखेंगे। अब हम लोग इस दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो टू में से सेवन नहीं जाएगा तो कैरी लेगा इससे, तो ट्वेल्व में से सेवन जाएगा तो फाइव बचेगा। ये बच्चा कितना कैरी दे दिया है, तो थ्री था, कैरी दे दिया है तो टू बचा, टू में से सिक्स नहीं जाएगा तो ट्वेल्व में से सिक्स जाएगा तो सिक्स बचेगा। अब ये कैरी दे दिया है तो थ्री हो गया, थ्री में से फोर नहीं जाएगा तो कैरी लेगा, तो थर्टीन में से फोर जाएगा तो नाइन हो जाएगा। यहाँ पे बचा फाइव, फाइव में से थ्री जाता है तो कितना बचेगा, टू हो जाएगा, और फाइव में से मतलब सेवन में से टू जाएगा तो फाइव हो जाएगा। तो हम लोग का डिफरेंस दोनों नंबर का कितना आ जाएगा, 52,965। और क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर सेवन कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप का एग्जाम्पल में दिया भी गया है और हमने समझाया भी है एग्जाम्पल में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।